मॉर्निंग स्टूडेंट, न्यू वीडियो एंड न्यू टॉपिक। सर हम अब तक गुडविल पढ़ चुके हैं, चेंजिंग प्रॉफिट सेविंग रेशियो में गुडविल पढ़ चुके हैं, गुडविल के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। एक सर नया टॉपिक बनाना है जिसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कहते हैं, ठीक, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट सेविंग रेशियो। मीन सर व्हेन एवर पीएसआर चेंज, सर व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व। हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व पर क्या करें, उससे पहले थोड़ा सा ये सोचिए सर, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व होता है क्या और सर ये क्यों बनाया जाता है। सर हम सभी लोग जानते हैं सर एक प्रूडेंट पर्सन मतलब एक समझदार सर फ्यूचर के हर एंटीसिपेटेड लॉस को कंसीडर करके चलता है कि मे बी सर फ्यूचर में इतने का लॉस हो सकता है और सर उसकी एस्टीमेट उसकी एडजस्टमेंट अभी से बनाने स्टार्ट कर देता है। इन्वेस्टमेंट सर मार्केट में उसकी जो वैल्यू डिसाइड होती है सर वो मार्केट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, यानी मार्केट में अगर वैल्यू बढ़ेगी इंक्रीज करेगी तो सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी एंड सर अगर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू डाउन होती है तो सर हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो सर अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब सर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है सर, जो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है यानी कि सर थोड़ा सा चेंजिंग दिखाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व सर इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, ये आपके प्रॉफिट का पार्ट होता है जिससे हम प्रॉफिट में से हटाते हैं और इसका यूज क्या होता है कि सर व्हेन एवर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, जब कभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होगी तो सर उसकी एडजस्टमेंट हम किस में से कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व से। मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या कह रहा हूं कि सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो होती है वो टोटली डिपेंड ऑन मार्केट स्ट्रक्चर कि सर मार्केट में कंडीशन कैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग सर इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। तो सर अप एंड डाउन दोनों चांसेस है, अगर अप होता है इंक्रीज करता तो सर प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 4.5 लाख हो रहा है सर दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब सर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो, तो सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई तो उसके लिए सर हम एक रिजर्व बनाते हैं, दैट रिजर्व इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इट इज पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट, ये आपके प्रॉफिट का पार्ट है। और अभी सर हमने डिस्कशन किया कि सर प्रॉफिट पहले किस रेशियो में आता था, 1:1:1, अब मैं इस क्वेश्चन से अटैच करूंगा ठीक है। देयर आर थ्री पार्टनर नितिन तरुण एंड अमर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज हियर 1:1:1, यानी कि सर इन लोगों के बीच का जो पीएसआर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर 1:1:1 का, क्लियर मेरी बात। एंड इन फ्यूचर सर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले किस रेशियो में, 2:2:1, यानी कि आगे चल के सर इनका रेशियो चेंज होगा। हम सभी लोग सर इस बात को जानते हैं सर व्हेन एवर रेशियो चेंज होगा तो हम चीजों को अपडेट करते हैं, हम चीजों को क्या करते हैं अपडेट करते हैं। अपडेट से मेरा मतलब क्या है कि सर जो चीजें प्रॉफिट का पार्ट है और प्रॉफिट में से निकाली गई सर वो किस रेशियो निकाली गई होंगी, ओल्ड रेशियो, और फ्यूचर में आप क्या मेंटेन करने वाले हैं सर, न्यू रेशियो। तो आप सर ये चेंजिंग से पहले इसके रिजल्ट को शो करें, आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मेरी बात समझ आ रही है ठीक सर। अब सर इस क्वेश्चन में सर नीचे कुछ केस दे रखे हैं, उस केस के अकॉर्डिंग सर इसका आंसर, यानी सर यहां से मैं आंसर देना स्टार्ट करूंगा, केस 1 केस 2 केस 3 एंड केस 4, क्लियर मेरी बात। याद रखना सर ये फर्स्ट केस, मैं आपको पूरा क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, जब आप अपने नोट्स को बनाएंगे तो सर क्वेश्चन के साथ इस आंसर को शिफ्ट रखेंगे। सर फर्स्ट केस इसमें लिखा हुआ है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मतलब कि सर ये इन्वेस्टमेंट जो 4 लाख की है और उस 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे सर जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 60,000 बना हुआ सर इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन है, यानी कि सर मार्केट में इंक्रीज हुई इसकी वैल्यू आर डिक्रीज हुई सर ये पता नहीं। तो सर आपकी एजम्पशन क्या रहेगी, आप क्या मान सकेंगे, आप क्या इंक्रीज मान लेंगे, नहीं सर कुछ दिया ही, क्या आप डिक्रीज मान लेंगे, नहीं सर हम ये समझेंगे कि लगा सर इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं हुई, ये कॉन्स्टेंट है सर, जितना पहले था सर उतना ही अभी, सर इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो जब चेंजिंग नहीं हुई है यानी सर पहले 4 लाख का था और अभी भी 4 लाख है तो सर ये 60,000 फ्री हो गया, फ्री का मतलब कि सर ये जब रिड्यूस होता तो इसका यूज होता, जब सर ये कांस्टेंट रहा तो सर इसका यूज खत्म, इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, क्लियर मेरी बात। यानी कि सर हम इनकी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग
रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट सर हाउ मच अमाउंट 16,000 60,000 ओल्ड पार्ट मतलब ओल्ड रेशियो सर, ओल्ड पार्ट में नितिन तरुण अमर रेशियो 1:1:1:2 नितिन कैपिटल अकाउंट, नितिन कैपिटल अकाउंट 2 तरुण कैपिटल अकाउंट और 2 अमर कैपिटल अकाउंट सर, ओल्ड पार्टनर और इसको 1:1:1 ठीक है सर 20,000 सर, ये भी कितना होगा 20,000 और ये भी कितना होगा सर 20,000 नरेशन बैंक इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है बैंक इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व ठीक। सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस जल्दी कहो सर, सेकंड केस है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज गिवन ₹4 लाख। अब जरा सोचो सर, जब इसकी मार्केट वैल्यू नहीं देती तो वो भी तो सर आपने इसे 4 लाख ही माना है, कॉन्स्टेंटली आपने समझा, जब इसकी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं थी और इस क्वेश्चन में गिवन है कि सर इसकी मार्केट वैल्यू कितने रुपए की 4 लाख, तो सर जब नहीं मार्केट वैल्यू गिवन था तब भी सर मैंने इसे 4 लाख माना था और अब इस बार सर इस केस में कह रहा नहीं सर इसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख ही है, यानी कि सर आंसर मेरा दोनों क्या होगा सर सेम फर्स्ट जैसा, यानी कि सर इसमें कोई चेंज नहीं है सेम फर्स्ट आंसर क्लियर। थर्ड देखें, थर्ड केस आसान चीज है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाएं और वो कम हो पाएगा जब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, जब आपके आंसर मैच करेंगे ना ऑटोमेटिक सर आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा कि हम कर सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस देखें क्या लिखा, वेन इट्स मार्केट वैल्यू गिवन एज 4,24,000 सर इसकी मार्केट वैल्यू गिवन कितने रुपए की 4,24,000 4,24,000। अब मैंने ये आपसे कहा था कि सर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होगी तो सर 60,000 का ही है, अगर सर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन नहीं होती है इंक्रीज कर रहा है तो सर ये 60,000 ओल्ड पार्ट में ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे बांट देंगे, यानी फिर आप इनके पास से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट सर कितने रुपए से 60,000 हो गया। टू इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सर ये कितने रुपए से सर 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 4,24,000 का हो गया, ऐसे क्वार्टर को डेबिट करते हैं इतने समय में डेबिट किया कितने रुपए से 24,000 हो गया। टू मैं दो तरीके सर इसे कर सकता हूं, एक तो ये कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व को पहले ओल्ड पार्ट का ओल्ड रेशियो बांट दो और फिर बाद में सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व को ओल्ड पार्ट का ओल्ड रेशियो बांट दो और जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है सबसे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दूं, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि आगे चलकर रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी हम पार्टनर्स कैपिटल में ही बांटेंगे, आगे चल के सर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही बांटेंगे, तो मैं डायरेक्ट दोनों को ऐड करके बांट देता हूं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ठीक है सर। तो टू नितिन, नितिन कैपिटल अकाउंट ठीक है, टू तरुण, तरुण कैपिटल अकाउंट और टू अमर, अमर कैपिटल अकाउंट सर कितने से ओल्ड पार्ट का ओल्ड रेशियो दोनों का है 60+24 84,000 में बांट तो सर यहां कितना डिवाइड करें 84,000 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ 84,000 डिवाइड बाय 3 2 × 6 = 28,000 यानी ईच शेयर लेगा सर कितना 28,000
सर यहां पर रुपए 26 होंगे, यहां पर रुपए 28 होंगे और यहां पर कितना होगा 28। क्लियर मेरी बात? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई तो सर ये 60,00,000 फ्री हो गए सर, ओल्ड पार्ट में ओल्ड रेशियो बांटे ही बांटे। और इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज कर रहा है सर वो एक रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, और लास्ट में आप रीवैल्यूएशन प्रॉफिट को भी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने सर दो एंट्री पास न करके एक में ही सर दोनों को एड करके कर दिया, यानी कि 60+24 84,000 तो सर ये मेरे तीन केस हो, दो केस और बेचते हैं तो सर उसके लिए मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है उसके बाद देखा जाए। आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, सारी चीजें होती रहेंगी, थोड़ा सा खुद मेहनत करें, घर पर क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करें, ठीक है सर। केस नंबर फोर्थ देखें, फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस ठीक है, ध्यान देना। वेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000 सर, इस बार इसकी मार्केट वैल्यू 3,70,000 होगी, ठीक है। यू नो डेट इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व इसी के लिए बना ही था, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट पे डेबिट सर कितने रुपए से, पूरा 60 नहीं गया, 60,000 वाला है ना, 60,000 सर, ये 60,000 हो गया सर। आपका एसेट डिक्रीज कर रहा है, पहले तो कितने का था 4,00,000 रुपए का, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी थी, ₹4,00,000। एंड सर इन केस फोर इट्स मार्केट वैल्यू 3,70,000 3,70,000 तो सर 3,70,000 टू ऐसे डिक्रीज करता तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सर कितना होगा, सर कितना डिक्रीज किया 30,000 सर, इन्वेस्टमेंट की बात हो गई 30,000, यानी कि सर हमने रिजर्व बनाया था 60,000 रुपए का, उस समय से सर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर गए 30 की, अभी भी तो 30 बचा हुआ, इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू नितिन कैपिटल अकाउंट और टू परुण कैपिटल अकाउंट और टू अमर कैपिटल अकाउंट, ये तीनों लोग हैं, टू नितिन टू तरुण एंड टू अमर, कितना बचा हुआ सर 30,000, ओल्ड पार्टनर को 30,000 बढ़ाओ बढ़ाते हैं 10,000 और सर ये बिग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड सर हमने से बांट दिया। एक एक और बचता है सिर्फ, वो आप लोग करेंगे और उसे देखें टैली करता है कि नहीं करता, केस फिफ्थ, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए रहने देंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।